एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, हम ये कह सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर मीन्स 2023 में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, 2x² प्लस kx माइनस 4 इज़ टू 0 हैज़ रेशनल रूट्स। इसके रूट्स रेशनल होने चाहिए, आपको बताना है। और आपसे पूछा क्या गया है, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के। अब देखो ऑप्शन ए एंड सी, यदि आप बात करेंगे ऑप्शन ए एंड सी की, तो ऑप्शन ए एंड सी में नेगेटिव वैल्यू भी दे रखी है, ऑप्शन ए एंड सी नहीं हो सकते। बच्चे ऑप्शन बी एंड डी, अब हमें ये चेक करना है कि ऑप्शन बी या डी में से कौन सा ऑप्शन होगा। पहली बात ये करते हैं कि रेशनल रूट्स की कंडीशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यदि आपके पास में रेशनल रूट्स होते हैं, यदि रेशनल रूट्स होते हैं तो उसकी इक्वेशन ये होती है कि डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। डी निकाल लेते हैं इसके लिए। देखो आप बोलेंगे इसका जो डी बन के आएगा, ए की वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू के एंड सी इज इक्वल टू माइनस 4। डी निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 ac इज इक्वल टू बी के। अब बोलेंगे के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, दिस इज ए की वैल्यू 2, 2 इंटू सी, सी की वैल्यू माइनस 4, माइनस 4 वैल्यू बनेगी के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 32 एंड देन प्लस 32। तो देखो हमारे पास में डी की वैल्यू बन के आ रही है, डी इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 32। अब आपको ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर क्यों बनाते हैं हम, देखो रेशनल रूट्स के बारे में बात करते हैं एक बार। रेशनल रूट्स, रेशनल रूट्स वो रूट्स होते हैं जिनमें आपके पास में √3, √5, √7 ऐसे टर्म नहीं आते हैं। रियल तो ऑब्वियसली आएंगे, वो रियल रूट्स तो होंगे, बट ऐसे टर्म्स बन के नहीं आएंगे। जब ऐसे टर्म बन के नहीं आएंगे तो हम बोलेंगे जो एक्स की वैल्यू होती है वो माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a होती है। यदि ये जो वैल्यू है √d हमारे पास में, यदि d एक परफेक्ट स्क्वायर है तो ये √ हट जाएगा। जब अंडर रूट हट जाएगा तो जो टर्म बन के आएगी वो माइनस बी प्लस माइनस एक नंबर बन के आएगा अपॉन 2a। इसलिए यदि हमें रेशनल रूट्स की बात करनी है तो जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि यदि हमें इसको रेशनल बनाना है देन डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, कि डी का जो नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए हमारे पास में। अब हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, डी इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 32। ऑप्शन जो दो ऑप्शन बचे हैं हमारे पास में, पॉजिटिव लीस्ट नंबर है तो ऑप्शन ए एंड सी में तो नेगेटिव नंबर भी है तो ये तो हो ही नहीं सकते। देखो बी एंड डी, 2 एंड √2, ये नंबर चेक कर लेते हैं एक बार। हम चेक कर लेते हैं, इफ डी इज इक्वल टू दिस, इफ डी इज इक्वल टू 2, इफ डी इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 32। ऑप्शन बी हमें दे रखा है के इज इक्वल टू 2 एंड ऑप्शन डी हमें दे रखा है इफ के इज इक्वल टू √2। ये वैल्यूज हैं ठीक है, तो हम ये चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या वैल्यू बनेगी, देखो के की वैल्यू पुट करो उसके अंदर, आप बोलोगे डी इज इक्वल टू के स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 32। डी की वैल्यू बनेगी 4 प्लस 32 एंड डी इज इक्वल टू 36। और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है आपके पास में। आगे देख लेते हैं, बोले यहाँ पे डी इज इक्वल टू के कितना दे रखा है आपको, √2 √2 स्क्वायर प्लस 32। डी इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 प्लस 32। आप बोलेंगे डी की वैल्यू बनेगी 34, डी की वैल्यू है आपके पास में 34। देखो अब इनमें से कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और किसके लिए आ रहा है, के की 2 वैल्यू के लिए आ रहा है, ये वैल्यू 2 है और आपका ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ठीक है। यदि k इज इक्वल टू 2 के लिए परफेक्ट स्क्वायर है तो आपका ऑप्शन क्या बना, आपका ऑप्शन बना हमारे पास में बी, बी बना, बी सही होगा ठीक है। अब ऐसा करते हैं एक बार, अब यदि हमारे पास में, हम ये बात करें कि यदि इसमें ऑप्शन गिवन ना हो हमें,
यदि हमें ऑप्शंस गिवन ना हो तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? देखो हम मानते हैं कि आपके इसमें ऑप्शंस गिवन नहीं है, बस आपको डी पता है, डी इजकल टू के स्क्वायर प्लस 32, ये नंबर गिवन है आपको, डी इजकल टू के स्क्वायर प्लस 32। आपको बताना है के की वैल्यू, के की मिनिमम लीस्ट वैल्यू क्या होगी, के की मिनिमम लीस्ट वैल्यू क्या होगी, मिनिमम लीस्ट वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू क्या बन के आएगी? आपको ये पता है कि d शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, ये तो पता है, ऑप्शन गिवन नहीं है आपको, बस ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, कोई ऑप्शन गिवन नहीं है। आपको बताना है कि यदि ऐसा कुछ है तो आपको बताइए k की वैल्यू क्या होगी। पहली बात तो ये कि अब हमें ये चेक करना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू, कितनी वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू देखो हम डिकोड करते हैं एक बार, d इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 32, के साथ में स्क्वायर, यदि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर आपके पास में, आप उसको स्क्वायर करेंगे, ये नंबर नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, जीरो आ सकता है, कोई भी नंबर नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, जीरो आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे ऑलवेज नंबर पॉजिटिव होगा। देख लेते हैं एक बार, देखो यदि कोई नंबर आपके पास में है, हम मानो हम के को एक बार जीरो मान लेते हैं, आप बोलेंगे के स्क्वायर की वैल्यू बन के आएगी जीरो, आप के को एक बार प्लस वन मान लेंगे तो वैल्यू बनेगी के स्क्वायर इक्वल टू वन, आप के को नेगेटिव मान लीजिए एक बार, आप बोलेंगे के स्क्वायर अभी भी वन बनेगा। कभी भी स्क्वायर जो नंबर होता है वो जीरो से स्टार्ट करेगा और नेगेटिव में तो कभी होगा नहीं, यदि कभी नेगेटिव में नहीं होगा इसका मतलब है आपका जो स्क्वायर टर्म होता है उसकी मिनिमम वैल्यू ऐसे बन के आती है, दिस इज स्क्वायर नंबर, दिस इज स्क्वायर नंबर, और इस स्क्वायर नंबर की जो मिनिमम वैल्यू है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू विच इज जीरो, कोई भी स्क्वायर नंबर है उसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होगी। यहां पे आप देखेंगे वन के लिए वैल्यू वन आ रही है, माइनस वन के लिए भी वैल्यू वन आ रही है, इसका मतलब है लोएस्ट वैल्यू किसी भी स्क्वायर नंबर की, किसी भी नंबर के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो होगी। अब यदि जीरो वैल्यू आ रही है, आप देखेंगे यहां पे ये जो टर्म है इसमें दिस इज मिनिमम वैल्यू जीरो प्लस 32 विच इज 32, आपके पास में जो डी की मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 32 इज इक्वल टू 32, 32 से कम वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, कभी भी आपका जो डी है वो डी लेस देन 32 नहीं हो सकता, डी या तो 32 होगा या 32 से ग्रेटर वैल्यू होगी। अब आपको बनाना क्या है, आपको एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, आपको डी की वो वैल्यू चाहिए, आपको डी एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए नंबर, आपको डी चाहिए एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यदि आपको एक डी परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए इसका मतलब है 32 से अगला नेक्स्ट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, 32 के बाद में नेक्स्ट नंबर 36 परफेक्ट स्क्वायर, इसके बाद में 49 परफेक्ट स्क्वायर, 64 परफेक्ट स्क्वायर, आपको मिनिमम लीस्ट वैल्यू चाहिए, इसका मतलब है यदि आपको मिनिमम लीस्ट वैल्यू चाहिए तो यू हैव टू कंसिडर 36, आपको डी की वैल्यू को 36 कंसीडर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वहां पे के की जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू आएगी। दोनों के लिए ट्राई करते हैं एक बार, हम के 36 के लिए भी ट्राई करेंगे, 49 के लिए भी ट्राई करते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं इफ डी इज इक्वल टू 36, आप बोलेंगे के स्क्वायर प्लस 32, अब बोलेंगे के स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 36 माइनस 32 विच इज 4, अब बोलेंगे के की वैल्यू बनेगी अंडर रूट 4 एंड के की वैल्यू बनेगी प्लस माइनस 2, बट हमें पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करनी है, इसका मतलब है कि के की वैल्यू बन के आएगी आपके पास में 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ के 4 36, ठीक है, 49 के लिए करते हैं एक बार हम 49 के लिए, अब बोलेंगे d इज इक्वल टू 49 विच इज के स्क्वायर प्लस 32, अब बोलेंगे यहाँ पे k स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस 32, अब बोलेंगे k इज इक्वल टू अंडर रूट 17, 4 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू बन के आएगी, अब बोलेंगे k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 पॉइंट
समथिंग कुछ वैल्यू बन के आएगी, और k की जो वैल्यू होगी वो प्लस 4 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आप मान के चलेंगे। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू कौन सी लीस्ट वैल्यू है? ये लीस्ट वैल्यू है, ये कम से कम वैल्यू है, इन दोनों में छोटी वैल्यू तो ये है, ठीक है, तो हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे इस केस को। क्यों? क्योंकि हमें हमें 32 से जस्ट अगला परफेक्ट स्क्वायर 36 मिल रहा है। तो ये k की वो लिस्ट वैल्यू है जिसके लिए आपका जो रूट्स हैं वो रेशनल बन के आएंगे। रेशनल कैसे बन के आएंगे आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो वैल्यू बन के आएगी रेशनल की, ये d एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपके पास में वो b होगा, बिना ऑप्शन के सोचेंगे तो जैसे मैंने बताया इस वैसे सोचेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।